बुंदेलखंड के जिले हमीरपुर में गरीब कल्याण योजना जनसभा को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गरीब किसान, महिलाओं, युवाओं तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को उठाने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को निःशुल्क आवास, शुद्ध पेयजल, सामुदायिक शौचालय, जनधन खाते तथा किसान सम्मान निधि और पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ उनके निजी खाते में शत प्रतिशत धनराशि प्राप्त होकर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शांति व्यवस्था और माहौल बिगाड़ने वालों से योगी और मोदी सरकार सख्ती से निपट रही है। कि जो प्रदर्शन करने वाले हैं, ना उनको धर्म से मतलब है, ना मजहब से मतलब है, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। ऐसी साजिशें देश के खिलाफ होती रही हैं। ये जो विपक्ष में बैठे लोग हैं ना, सत्ता नहीं पाने का जो फ्रस्ट्रेशन है, उनको जब मौका मिलता है तो वो ऐसी रूप में उसको निकालने का प्रयास करते हैं। सरकार संज्ञान ले रही है, पार्टी ने भी संज्ञान लिया है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, सब लोग, हम सब लोग मिलकर और प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसी को भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि कोई अशांति पैदा करे। और बहुत ही कायदे से विषय को हमारी पार्टी ने देखा है और जो भी अशांत करने का प्रदेश को प्रयास करेगा, हम सख्त कार्रवाई पहले भी किए हैं, आज भी आगे भी करेंगे।